प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। मैं पुनः आपके सामने अभी उपस्थित हुआ हूँ सीबीटी 2 के बारे में चर्चा के लिए। अभी आज 23 नवंबर है और 24 दिसंबर को आपको एग्जाम होना है। समझिए कि लगभग एक महीना समय बचा हुआ है अभी से, और बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार हम भी देख रहे हैं। सारे बच्चे एकदम सीरियस हैं तैयारी के लिए। अच्छा है इसी तरह से आप कंटिन्यू रखें। सारे बच्चे रणनीति भी बना लिए होंगे एग्जाम तक में, किस तरह से हम अपना पूरा सिलेबस हम रिवीजन कर पाएंगे कि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएं। पहले हम आपको बता दें कि सीबीटी 2 में पार्ट ए में कितना आप लक्ष्य लेकर के चलें कि इतने मार्क से ऊपर हमको लाना है। मेरा अपना मानना है कि 65 प्लस में आपका स्कोर संभव है, लेकिन आप 70 प्लस का टारगेट रख करके चलें निश्चित रूप से कि 70 प्लस मार्क्स हम कैसे लाएं। इसके लिए आपको जितना एफर्ट लगाना पड़े, जिस पेपर पे ज्यादा आपको ध्यान देना पड़े उसके हिसाब से आपको देना ही चाहिए। लेकिन हम पार्ट बाय पार्ट थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि किस पार्ट से पार्ट ए में कितना क्वेश्चन रह सकता है और उसके लिए किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से उसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। एक ब्रीफ चर्चा हम करना चाहेंगे आपसे, और भी इसके बाद कुछ छोटा छोटा पॉइंट पे आपसे चर्चा करेंगे। सारे एएलपी सीबीटी 2 के लिए ही सारी बातों पर चर्चा होगी डिटेल में। तो सबसे पहले हम पार्ट ए में सिलेबस सबको पता ही है कि मैथ अप्रोक्स 25 नंबर का पूछ सकता है, रीजनिंग अप्रोक्स 30 नंबर का पूछ सकता है, करंट अफेयर्स से 15 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये एकदम महत्वपूर्ण है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग मिला के 25 से 30 क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग और उसके साथ में 3-4 टॉपिक जो आपका है, एनवायरमेंट है, आईटी है, सेफ्टी है, और भी 1-2 टॉपिक है, अगर इसका वेटेज दिया जाए तो मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग ड्राइंग प्लस इस टॉपिक मिला करके 10 से 15 क्वेश्चन आपका रह सकता है, और अप्रोक्स 15 क्वेश्चन आपका सिर्फ बेसिक साइंस यानी फिजिक्स से रह सकता है। तो बांटने के बाद रेशियो यही आपका रहेगा। सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे कि पार्ट ए में मैक्सिमम स्कोर कैसे करें। उसमें रीजनिंग से हम शुरू करेंगे। रीजनिंग चूंकि सिर्फ रीजनिंग का वेटेज इसमें हमको सबसे ज्यादा दिख रहा है कि 30 नंबर का सिर्फ रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए, चूंकि ये एक स्कोरर पेपर भी है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो 30 में से आप 25, 26, 27, 30 तक भी मार्क्स ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले हम उदाहरण के तौर पर सीबीटी 1 का क्वेश्चन को लेंगे कि किस तरह से वहां पूछा गया है क्वेश्चन। सीबीटी 1 में अप्रोक्स 60% क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन पूछा, जो कि मैक्सिमम बच्चे बना सकते थे। 40% क्वेश्चन बच्चों को परेशान किया, जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग मुख्य रूप से है। एनालिटिकल रीजनिंग भी 8-10 भाग में अलग अलग बटा हुआ है। मेरा कहना यह है कि अगर सीबीटी 1 के क्वेश्चन को बेस बना करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया जाए, प्रीवियस क्वेश्चन को पूरा का पूरा सेट अच्छे से बना लिया जाए, तो मोर देन 90% स्कोर आप रीजनिंग में कर सकते हैं। 90% स्कोर का मतलब हुआ कि 26-27 नंबर आप ला सकते हैं 30 में से। अगर इतना आप संभव कर पाए तो समझिए कि आगे बहुत पेपर का मेंटेन आप इस रीजनिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो उसमें आप सबसे पहले तो रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को सेट बाय सेट खुद से बनाएं, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है या जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो निश्चित रूप से उस क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक में ही पेंसिल से टिक आउट कर लें, और जब लास्ट में आप क्वेश्चन जांचने के बाद देखें कि 7-8-10 क्वेश्चन इस तरह का है जिसमें हमको प्रॉब्लम हुआ है, तो उस क्वेश्चन को अगर आप
तीन चार बच्चे ग्रुप में, पांच बच्चे ग्रुप में सेट बनाते हैं तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि बहुत इसमें आपको हेल्प ये मिलेगा कि जो क्वेश्चन आप नहीं जान रहे होंगे हो सकता है कि आपके कलीग से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, नहीं तो किसी सीनियर का भी मदद ले सकते हैं, ट्यूटर का भी मदद ले सकते हैं, और लास्ट में सॉल्यूशन भी दिया हुआ ही होगा। प्लेटफॉर्म का भी बुक उपलब्ध है और दूसरे बहुत सारे पब्लिकेशन के भी बुक उपलब्ध हो सकते हैं। आपको जो बुक मार्केट में अच्छा लगे उस बुक को लेकर के आप ऐसा प्रैक्टिस आप करें, तो पेंसिल से टिक आउट कर देंगे और उसका जब सॉल्यूशन आप खुद से करेंगे कि मे बी सॉल्यूशन में आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जब दूसरा सेट में पुनः इसी तरह का काम करेंगे तो पता चलेगा कि इस सेट में जिस टाइप के क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम हुआ था और उसका हम पूरा कंसेप्ट के साथ सॉल्व कर चुके हैं, तो आगे उस तरह के क्वेश्चन में लगातार स्कोर प्लस होता चला जाएगा। अगर इस सेट में आपको 10 गलती हुआ तो पता चलेगा कि आगे 8 गलती हुआ है, जब तीसरा सेट आप बनाएंगे तो पता चलेगा 6 गलती हुआ, इस तरह से क्रमशः आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। और क्वेश्चन के साइज को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि रीजनिंग में हम देखे बहुत तरह का एनालिटिकल रीजनिंग का इस तरह का क्वेश्चन था कि देखने में बड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर अच्छे से उसका आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो पता चलेगा कि वो बहुत जल्द आपसे बन सकता है, बशर्ते कि उसका प्रैक्टिस उस ढंग से होना चाहिए। तो रीजनिंग में और 4-5 सेट बनाने के बाद एक बार पूरे सेट का आप रिविजन कर लें दोबारा से, रिवीजन जो पेंसिल से आप टिक आउट किए हैं सिर्फ उसी क्वेश्चन का करें, बाकी जो ऑलरेडी जान रहे हैं उसके उसमें टाइम देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आप जान ही रहे हैं, उसमें टाइम अपना वेस्ट क्यों करें। इसलिए हम बोले कि उसमें पेंसिल से आप टिक आउट कर लीजिएगा और उसी को 2-3 बार रिवीजन करिएगा, बार बार बनाइएगा, पता चलेगा कि उस टाइप का आगे आपको जब दूसरा प्रैक्टिस सेट से भी जब क्वेश्चन बनाइएगा उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो वहां भी धीरे धीरे आपका प्लस होता चला जाएगा और ये स्कोर को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा मददगार सिद्ध होगा। और सेम टू सेम यही बातें आपको मैथ के लिए भी करना है। हम तो सारांश में ये कहना चाहेंगे कि रीजनिंग, मैथ और फिजिक्स सेट बाय सेट सीबीटी 1 के क्वेश्चन को 4-5 बच्चे आपस में ग्रुप बना करके एक साथ बैठ करके सॉल्व करें, एकदम लिमिट टाइम देख करके, और उसके बाद आपस में डिस्कस करें। करंट अफेयर्स डायरेक्ट एक साल के अंदर का पढ़े वो बाद में पढ़े अलग से, लेकिन इसी केमिस्ट्री बायो पूछेगा नहीं, इसी तीनों पेपर का आप लगातार 300 सेट में पूरा का पूरा सेट आप बना जाएं और पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर कर लें। ऐसा अगर आप कर पाते हैं तो ये तीनों पेपर में आप मैक्सिमम स्कोर संभव है कि करेंगे ही करेंगे। और इसमें जिस टॉपिक में ज्यादा आपको परेशानी हो रही है, पेंसिल से टिक आउट करने बोले ही हैं, लेकिन एक बार किसी बुक के माध्यम से या ट्यूटर के माध्यम से बैठ के देख रहे हैं कि ये टॉपिक में हमेशा हम फंस रहे हैं, तो एक बार किसी ट्यूटर के माध्यम से एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे या सहारा लेने का प्रयास करेंगे या उसके कंसेप्ट को बेस से समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा करेंगे तो मैक्सिमम स्कोर के रेंज में उस सब्जेक्ट को पहुंचाने में आप कामयाब होंगे। करेंट अफेयर्स के बारे में एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि करेंट अफेयर्स पर थोड़ा सा सेलेक्टिव रणनीति अगर आप बनाते हैं तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा लाभ हो सकता है, क्योंकि सीबीटी 1 के क्वेश्चन को गौर करेंगे तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक का करेंट अफेयर्स उसमें पूछा गया। और जब और थोड़ा सा ज्यादा उसमें बारीकी से गौर करेंगे तो आप देखेंगे 60% क्वेश्चन 6 महीने के अंदर का पूछा गया और बाकी का 20-25% क्वेश्चन उसके 6 महीने के अंदर का पूछा गया, यानी कि 1 साल के अंदर का क्वेश्चन 80-85% क्वेश्चन था करंट अफेयर से। मात्र 10-15-20% ही क्वेश्चन ऐसा था जो पिछले 2 साल से था। तो हमको लगता है कि अगर पिछले अब समय इतना बचा हुआ इतना नहीं आपके पास है, अगर पिछले 2 साल के क्वेश्चन को पिछले 1 साल छोड़ के उसके पिछले 2 साल के क्वेश्चन को अगर बहुत अच्छे से नहीं भी टाइम आप दे पाएंगे, उतना टाइम बचा के अगर मैथ रीजनिंग में ही दे देंगे तो उससे 3 गुना ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि 15 क्वेश्चन बनाने के लिए 15 क्वेश्चन के लायक सिलेबस हम पूरा का पूरा पढ़े, उसमें टाइम आपको बहुत लगना है। अगर 11-12 क्वेश्चन के लायक सिलेबस को भी हम पढ़ पाते हैं तो उतना स्कोर अगर हम कर देंगे मेरा रिजल्ट के लिए सफिशियंट होगा, एकदम श्योर है। क्योंकि एनी हाउ हमको 100 में से 70+ स्कोर करना है, वही हमारा टारगेट है। तो करंट अफेयर्स का इस माध्यम से आप थोड़ा सा समय बचा सकते हैं करंट अफेयर्स में। इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग में जितने बच्चे परेशान हैं, हमको नहीं लगता है कि उतना परेशान उनको होना चाहिए। परेशान इसलिए है कि ये फर्स्ट बार एएलपी
टेक्नीशियन के सिलेबस में ऐड किया गया है और बच्चों को लगता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल नया चीज है। डिप्लोमा बीटेक वाले बच्चे को तो मेरे ख्याल से बहुत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन आईटीआई वाले बच्चे इसको देखकर बहुत घबरा रहे हैं। तो एक अच्छी सी बुक प्लेटफॉर्म के भी बुक होगी, दूसरी भी बुक हो सकती है, आप देख लेंगे या अच्छे ट्यूटर से पढ़े होंगे तो वो भी आप देख लेंगे। एक बार इंजीनियरिंग को पढ़ लीजिए और उस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ में एनवायरमेंट, आईटी, सेफ्टी और जो आपका एक और टॉपिक दिया हुआ है देख लीजिएगा, तो इन चारों पांचों टॉपिक मिला के 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा। तो 10-15 क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछेगा, हमको लगता है कि 8-10 क्वेश्चन आप बना पाइएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होना है। और फिजिक्स तो वो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 8 टॉपिक फिजिक्स का दिया हुआ है उसमें, तो सीबीटी 1 में भी पढ़े, उसके पहले भी आप तैयारी किए होंगे तो वहां भी पढ़े होंगे, तो एक माइन्यूटली उसको पढ़ लें। सीबीटी 1 का भी क्वेश्चन फिजिक्स रिलेटेड आप देख लें, न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा इसलिए न्यूमेरिकल सेक्शन को भी अच्छे से आप क्वेश्चन देख लें। तो अगर जो बातें हम बताए हैं उसके माध्यम से करते हैं तो ओवरऑल आप 70+ स्कोर करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रीजनिंग में आप कोशिश करें 30 में से हम 25 नंबर जरूर ला पाए, मैथ में 25 में से 21-22 क्वेश्चन जरूर सही कर पाए, करंट अफेयर्स में 15 में से 10 क्वेश्चन जरूर सही कर पाए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में से 10 में से जरूर 7-8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन सही कर पाए, और साइंस में 15 में से 10 क्वेश्चन अगर आप प्लस कर पाते हैं तो पता चलेगा कि आप 70+ कर गए, और इतना चीज संभव है जितना हम बताएं। तो इन सारी बातों पर ध्यान देना है मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। इसके अलावा प्रैक्टिस एक सेट आपको प्रैक्टिस वर्कबुक से अगर आप टाइम बचा पाते हैं तो डेली करें, और ग्रुप प्रैक्टिस ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, टेस्ट सीरीज ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और ग्रुप 4-5 बच्चे का ग्रुप बनाकर एक टाइम लिमिट करके सेट बनाएंगे तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वहां डिस्टर्बेंस कम होगी, थोड़ा एक कम्पिटिटिव आइडिया हमेशा शेयर होते चला जाएगा, एक माहौल उस तरह का क्रिएट रहेगा और आपस में भी कंपटीशन रहेगा, आगे बढ़ने का होर रहेगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। इसके बाद एग्जाम में भी आपका खास रणनीति होना चाहिए, एग्जाम में खास रणनीति ये होना चाहिए, चूंकि सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होना है और एक से लेकर के 100 तक क्वेश्चन आप तुरंत पहले कोशिश करें कि हम फास्ट इस तरह से चलें कि पहली बार में हम 100 तक क्रॉस कर जाएं, पहुंच जाएं, और उसके बाद क्वेश्चन बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है ये देख करके पता, क्वेश्चन को देख करके पता कर लेना कि किस क्वेश्चन में हम फंस सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैथ के क्वेश्चन को ही आप एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंसर पर जा करके लगता है कि अब आंसर हमारा आ जाएगा, आंसर आ नहीं पाता है, तो बहुत बच्चे जीत पकड़ लेते हैं कि इसका आंसर ला करके हम छोड़ेंगे, पता चलता है कि उस परिस्थिति में 2-3 मिनट टाइम हमारा व्यर्थ चला जाता है। तो अगर यही चीज आप पहले देख ले इस क्वेश्चन में हम फंस सकते हैं तो तत्काल उस क्वेश्चन को छोड़ते हुए 1 से लेकर 100 तक चले जाएंगे और दोबारा से तब वैसे क्वेश्चन पे पुनः हम आएंगे जिस क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम हो सकती थी जिसको हम छोड़े हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि 1 से लेकर 80-85 तक जाते जाते आपका टाइम ओवर हो गया, पता चलेगा कि लास्ट में 10-15 क्वेश्चन ऐसा बच गया जिसमें कि बड़ा कम समय में 5-7 क्वेश्चन हम बना सकते थे, उस समय बहुत ज्यादा आपको अफसोस होना है, इसलिए टाइम का सेटिंग आप उस तरह से आप जरूर कर पाएंगे। चूंकि सीबीटी मोड में एग्जाम होना है इसलिए अगर संभव हो तो ऑनलाइन टेस्ट का भी आप प्रैक्टिस जाने से पहले कर लेंगे, उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्ट फील करेंगे, नहीं तो अचानक लगेगा कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन का भी सेटिंग इस तरह से होता है कि एक बार में क्वेश्चन सहित आप चारों ऑप्शन नहीं देख पाते हैं, माउस को आपको कर्सर को ऊपर नीचे ले जाना पड़ता है, उसमें आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा वेस्ट होता है, तो पहले से प्रैक्टिस रहेगा तो ये टाइम भी आप 2-4 क्वेश्चन के लिए आप बचा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या कि अभी सेंटर के बारे में जो पता चल रहा है कि सेंटर आपका बोर्ड में ही देने जा रही है, उस परिस्थिति में मान लीजिए कोई पटना के बच्चे हैं या इलाहाबाद के बच्चे हैं, सिकंदराबाद भर दिए हैं, बेंगलोर चेन्नई भर दिए हैं, स्वाभाविक है कि उनको पहले जाना पड़ेगा वहां,
और थोड़ा सा थकान भी होगा, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा लास्ट टाइम में, इसलिए जैसे भी हो जो भी परिस्थिति रहे एक दिन पहले जरूर आप सेंटर पर पहुंचें। सेम डे में पहुंचेंगे बहुत ज्यादा आपके साथ रिस्क रहेगा, थकावट रहेगा, बहुत परेशानी हो सकती है, तो एक दिन पहले पहुंचेंगे, थोड़ा कम्फर्ट जोन में रहेंगे, थोड़ा आराम करेंगे और दूसरे दिन सेंटर पर भी एक घंटा डेढ़ घंटा आप पहले पहुंच जाएंगे। इससे आपका माइंड भी पूरी तरह से फ्रेश रहेगा, बहुत दिक्कत आपको नहीं होगी। इतना आपका पहले से मेहनत किया हुआ है और मेरे ख्याल से जितना आप मेहनत कर चुके हैं सिर्फ इसको अच्छे से आप अपडेट रख लीजिएगा तो आप उतना स्कोर करने में सफल रहेंगे। चलिए अब विशेष हम आपसे पुनः जब दोबारा आपके सामने उपस्थित होंगे कुछ नए मैटर के साथ या फिर से आपको उत्साहित करने के लिए हम आएंगे तो अन्य बातों को रखेंगे। धन्यवाद। कोशिश करिएगा आप इन जो भी हम सारी बातें बताए हैं उस पर आप जरूर गौर करने का प्रयास करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।